एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि अगर पुष्पा का रोल अल्लू अर्जुन के बजाय महेश बाबू करते थे तो कैसा लगता था? अजीब लगता था, राइट? लेकिन लेट मी टेल यू, महेश बाबू वॉज द फर्स्ट चॉइस टू प्ले द रोल ऑफ पुष्पा। यानी कि अल्लू अर्जुन से पहले पुष्पा का रोल महेश बाबू को दिया गया था, लेकिन महेश बाबू ने उसको रिजेक्ट किया, कह के कि उन्हें लगा कि ये एक एंटी हीरो कैरेक्टर है। एनीवेज, समवन्स लॉस इज समवन्स गेन, और हम सबको बताया कि पुष्पा का रोल अल्लू अर्जुन ने कितने सही तरीके से परफॉर्म किया, जिसकी वजह से उन्हें एक नेशनल अवार्ड भी मिल गया। वैसे हमें अभी तो बताया कि पुष्पा के दो पार्ट्स में मूवी रिलीज हो रही है, लेकिन पुष्पा एक्चुअली एक वेब सीरीज होने वाली थी पहले। मूवी के डायरेक्टर सुकुमार ने पहले एक वेब सीरीज बनाने की सोची थी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने सोचा कि एक मूवी बनाया जाए। फिर जब वो मूवी बनाने लगे तब उन्हें रियलाइज हुआ कि इसकी कहानी इतनी बड़ी है कि ये एक मूवी में तो खत्म होगी नहीं, इसलिए फिर उसका सेकंड पार्ट भी अभी दो दिन के बाद आ रहा है। फिर इस मूवी में फहद फासिल ने जो कैरेक्टर प्ले किया है भानवर सिंह शेखावत का, तो वो रोल एक्चुअली सबसे पहले विजय सेतुपति को जाने वाला था, लेकिन वहां पे उनके डेट्स का कुछ इशू हो गया, इसलिए फिर फाइनली वो कैरेक्टर प्ले किया फहद फासिल ने। अब यहाँ पे भी तुम इमेजिन करो फहद फासिल के जगह पे विजय सेतुपति कितना अलग लगता था। अब भानवर सिंह की बात कर ही रहे हैं तो मूवी के क्लाइमैक्स के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। पहले मूवी के क्लाइमैक्स में हमने देखा था कि दोनों ही कैरेक्टर्स ने उनके शर्ट निकाल दिए थे, पैंट निकाल दी थी, और जो उनके अंडर पैंट्स थे तो बस उनपे ही पूरा सीन था। लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिनल चॉइस थी डायरेक्टर की, वो थी उन्हें पूरी तरीके से न्यूड दिखाना, और फिर ऑफकोर्स कमर्शियल रीजन के चलते उन्होंने वो डिसीजन नहीं लिया। कमर्शियल रीजन मतलब वही कि जो मूवी का सर्टिफिकेट है फिर वो अडल्ट कैटेगरी में जाता था, जिसका वजह से मूवी के कलेक्शंस डेफिनेटली हैम्पर होते ही है। बट जस्ट इमेजिन कितना बोल्ड चॉइस होता था। और आपको याद होगा कि पुष्पा जब रिलीज हुई थी तब वो हिंदी बेल्ट में काफी ज्यादा फेमस हुई थी, और उसका वन ऑफ द रीजंस अकॉर्डिंग टू मी उसकी जो डबिंग है, डबिंग की क्वालिटी, और डबिंग में जो एक्सेंट यूज करा है मराठी वाला एक्सेंट, तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर था, अगेन अकॉर्डिंग टू मी। अरे सर, बहुत दिनों बाद। हां, कैसा गए? तबीयत पानी ठीक है ना? क्योंकि मैं एक मराठी आदमी हूँ, और जब मैं पुष्पा के कैरेक्टर को वैसे टोन में बात करते हुए देखता हूँ जिसमें थोड़ी मराठी भी इंक्लूडेड है, हिंदी भी मिक्स है, तो वो एक अलग ही फ्लेवर आता है। और इसका श्रेय जाता है श्रेयस तलपड़े को, क्योंकि उन्होंने उसकी डबिंग करी थी, उन्होंने पुष्पा की डबिंग करी थी। एंड एज आई सेड, डेफिनेटली ये एक मेजर फैक्टर था कि क्यों पुष्पा इतना ज्यादा फेमस हुआ था हिंदी ऑडियंस में। उसके बाद एक और चीज कुछ अलग थी इस मूवी में, वो थी अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना दोनों का ही जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़े बहुत फेयर की साइड में आता है, लेकिन दोनों ही मूवी में काफी डार्क दिखाई दिए है, और ऑफकोर्स उस चीज के लिए उन्होंने काफी मेकअप करना लगा था। लेकिन ये मेकअप के चक्कर में अल्लू अर्जुन को एटलीस्ट 2 घंटे बैठना पड़ता था मेकअप के चेयर पे मेकअप करने के लिए, फिर उसके बाद सिमिलर सा ही टाइम लगता था पूरा मेकअप निकालने के लिए। अब ये काफी सिंपल चीज हमें लगती है, लेकिन इसमें भी काफी ज्यादा डेडिकेशन लगता है। फिर मुझे ये वाला फैक्ट तो काफी अमेजिंग लगा कि वो केरला के एक जंगल में शूट कर रहे थे, और वहां पे शूट करते करते उनके पास पूरे जो फेक सैंडलवुड्स थे वो थे, जिसमें फोम के सैंडलवुड्स थे, फिर नॉर्मल लकड़ी थी उसको रेड पेंट करा गया था। लेकिन एनीवे, सारे फेक सैंडलवुड्स वो एक बार लेके जा रहे थे, पुष्पा की टीम लेके जा रही थी, और वहां पे उन्होंने पुलिस ने पकड़ लिया था, उन्हें लगा कि ये रियल वाला रेड सैंडलवुड है, लेकिन फिर बाद में उन्हें समझाया कि ये शूटिंग का पूरा मटेरियल है, फिर उसके बाद सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी। फिर ऐसा ही सिमिलर वो एक फॉरेस्ट में शूट कर रहे थे, और वहां पे शूट करते करते उन्हें पूरी टीम ले जानी पड़ती थी शूटिंग की, तो वो फॉरेस्ट इतना रिमोट एरिया में था कि वहां पे रोड्स तक नहीं थे, और उन्हें ट्रांसपोर्टेशन में काफी दिक्कत होती थी, तो उन्होंने उसके लिए कच्चे रोड भी बनवा लिए थे। तो बस ये थे कुछ अनोखे फैक्ट्स हमारे पुष्पा मूवी के बारे में। अभी 2 दिन के बाद ही पुष्पा 2 मूवी आने वाली है, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पहले पुष्पा की पहली मूवी देखे फिर दूसरी मूवी देखे, तो डोंट वरी, इस वीडियो में आपको पूरा रिकैप देखने को मिलेगा पुष्पा के पहले मूवी का। यानी कि बेसिकली सिर्फ ये वाला वीडियो देखो और सीधा मूवी देखने को जाओ, आपका पूरा काम हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।